नमस्कार, क्या आपका लिंग भी तनाव आने पर एक तरफ झुक जाता है या टेढ़ा हो जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसमें कब हमें इलाज की जरूरत है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ क्योरस्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो लिंग में टेढ़ेपन को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि लिंग की बनावट कैसे होती है। तो जैसा आप जानते हैं, लिंग एक छोटे सिलेंडर के जैसा होता है जिसमें दो ट्यूब डली हुई रहती हैं। इन ट्यूब में स्पंज के समान एक टिश्यू या एक जगह रहती है जो कि बिल्कुल स्पंज के जैसे होती है। इसमें हमारी खून की नस खून को डालती है, जिसकी वजह से स्पंज जैसा जो टिश्यू है वो धीरे धीरे करके साइज में बड़ा होता जाता है और इसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन आता है। अब बात करते हैं कि क्या कारण है जिनकी वजह से लिंग में टेढ़ापन आ जाता है। तो जो सबसे कॉमन कारण है वो है लिंग के ऊपर चोट लगना। तो चोट कैसे लग सकती है? जैसे कई बार पेशेंट्स फोर्सफुल सेक्स करते हैं, फोर्सफुल सेक्स करते हुए कई की बार ऐसा होता है कि लिंग जो है थोड़ा सा बेंड कर जाता है और उसमें एक जगह से ये लिंग का जो सिलेंडर है ये थोड़ा सा क्रैक पड़ जाता है या उसमें थोड़ा सा फट जाता है। और फटने के बाद उसके अंदर जब हीलिंग होती है, जब वो उसकी भरावट होती है, तब वहां पर एक स्कार बन जाता है जिसकी वजह से पेनिस एक तरफ झुक जाता है और उसमें टेढ़ापन आ जाता है। एक तो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हो सकता है या फिर कभी किसी भारी चोट लगने की वजह से भी लिंग के अंदर टेढ़ापन आ सकता है। जैसे कोई डंडा लग जाए या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट से अगर कोई इंजरी हो जाए तब भी सेम हीलिंग के बाद जो स्कार टिश्यू बनता है उसकी वजह से लिंग टेढ़ा हो सकता है, या कोई गर्म चीज लिंग पे गिरने की वजह से भी उसमें सेम दिक्कत आ सकती है। दूसरा कॉमन कारण है फ्रेनुलम। फ्रेनुलम क्या होता है? एक चमड़ी की झिल्ली होती है जो हमारे पेनिस के नीचे वाले हिस्से के साथ हमारी चमड़ी को जोड़कर रखती है। कई कई लोगों में ये फ्रेनुलम बहुत टाइट होता है या छोटा होता है, जिसकी वजह से लिंग में तनाव आने पर ये आगे से थोड़ा झुक जाता है, बेंड हो जाता है। तो फ्रेनुलम भी एक कारण है। तीसरा प्रमुख कारण होता है पेरोनीज डिजीज। तो ये पेरोनीज डिजीज क्या होता है? इसमें लिंग के ऊपर अलग अलग जगह पर गांठें पड़ जाती हैं। ये गांठें पड़ने की वजह से उस हिस्से को जकड़ लेती हैं जिसकी वजह से पेनिस जो है वो एक तरफ झूल जाता है। ये यूजुअली 40 से 50 साल के पुरुषों में देखने को मिलता है और एक काफी कॉमन कारण है जिसकी वजह से पुरुषों का लिंग टेढ़ा हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, दो कारण ऐसे भी होते हैं जो कि जन्म से ही होते हैं, इनकी वजह से भी लिंग में टेढ़ापन आ जाता है। जैसे कि कई लोगों के जन्म से ही लिंग के एक तरफ थोड़ा सा टिश्यू या खाल थोड़ी कम रह जाती है जिसकी वजह से वो एक तरफ से झुक जाते हैं। तो क्योंकि ये जन्म से होता है तो जब वो अपनी युवावस्था में जाते हैं तब वो ये पाते हैं कि जब भी उनका लिंग तनाव में जा रहा है तो एक तरफ झुक जा रहा है। या फिर एक बीमारी होती है हाइपोस्पेडियास। इस बीमारी में हमारे पेशाब का जो रास्ता है वो नॉर्मल जगह ना होकर थोड़ा सा पीछे होता है जिसकी वजह से वो आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा झुक जाता है। तो अब आप समझ गए हैं कि लिंग में टेढ़ापन आने के क्या प्रमुख कारण रहते हैं। हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इस वीडियो का जरूर देखिएगा, जिसमें हम बात करेंगे कि हमें कब ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसका इलाज कैसे होता है। तो मेरे सभी व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा, इस चैनल पर हम मेल हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। मेल हेल्थ पुरुषों का स्वास्थ्य एक सबसे निग्लेक्ट किया हुआ टॉपिक है। पुरुषों का स्वास्थ्य एक ऐसा टॉपिक है जिस पे वो खुल के बात नहीं करना चाहते हैं या थोड़ा झिझकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके
आप इन सब दिक्कतों के बारे में खुद से ही जान सकते हैं और कब डॉक्टर से मिलना है और कब घबराना नहीं है ये आप खुद ही जान सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं द क्योर स्टोन के नाम से, उस पर भी आपको काफी अलग अलग कंटेंट देखने को मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।